प्रधानमंत्री ने बुधवार को पत्रकारिता में उत्कृष्ट कामों के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर पत्रकारिता को लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला औजार बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकारों की जितनी आलोचना हो उतना अच्छा है। पीएम ने पत्रकारिता जगत से देश की एकता के लिए काम करने का आह्वान करते हुए भी कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत करने की जिम्मेदारी भी देश के पत्रकार उठाएं। लोग मिलते, अरे मैंने बीबीसी पर सुना था, देश की एकता ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके लिए खबर है और छपने के तुरंत बाद आप दूसरी खबर की खोज में लगे हो, लेकिन कभी कभी वो ऐसे गहरे गांव कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाप और लोग नहीं करते, हो सकता है आप लोगों से ज्यादा हम करते हैं, हमारी बिरादरी वाले, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हम देश की एकता को बढ़ाने वाली चीजों पर बल कैसे दें। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान कुछ ही पत्रकार थे जिन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और रामनाथ गोयनका उनमें से ही एक थे। बहुत कम बिरले निकले थे, बहुत कम, जिन्होंने आपातकाल को चुनौती देने का रास्ता चुना था और उसका नेतृत्व रामनाथ गोयनका जी ने किया था, बेफिक्र होकर के किया। मैं समझता हूं कि ये इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है।